गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल ट्रेडिशनल मेकअप लुक विथ हेयर स्टाइल। एंड जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक जरी वर्क की साड़ी पहनी है, तो इसके साथ मैं ट्रेडिशनल गेटअप करने वाली हूँ एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ एंड क्विक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखो मेरी मेहंदी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपने फेस को वॉश करके आ गया, देन मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ। एंड मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करने की या फिर लाइक कॉम्बिनेशन स्किन है तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने लाइट मॉइस्चराइज़र लगाया एंड उसके बाद प्राइमर ले रही हूँ। प्राइमर को लाइक जहाँ पे ओपन पोर्स का है मेरे को इशू, वहाँ पे लगाया एंड अपने आईलिड पे भी लगाया एज आई शेडो प्राइमर। तो उसे फिर उसके बाद डैप करना है, अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ना है अराउंड 1 to 2 मिनट्स। अब चिकू को देख सकते हैं पीछे आ गया है वो। एक्चुअली बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, पीछे कुछ कुछ कर रहे थे, लाइक ड्राइंग वगैरह कर रहे थे आई गेस। तो वो अपने पेपर उठाने गया था, गिर गया था। तो एंड आफ्टर दैट मैं अपने लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलिन लगा रही हूँ एंड आई मेकअप शुरू करूँगी अभी। तो मैं बेस पे कुछ भी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा रही क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा फेयर स्किन टोन है मेरा। सो जहाँ पे मेरे को डार्क स्पॉट्स लग रहे हैं एंड पिगमेंटेशन लग रही है, सिर्फ वहीं पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेबलिन फिट मी कंसीलर है लाइट शेड। तो अंडर अपने आईलिड पे भी मैंने लगा लिया एंड अंडर आई पे मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, बाद में हाईलाइट करने के लिए लगाऊंगी। आप चाहें तो कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं एंड स्पंज यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, बट मैं फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं बिगनर फ्रेंडली मेकअप शेयर कर रही हूँ एंड मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, लाइक जो प्रोडक्ट्स एकदम नेसेसरी है, मस्ट यूज़ है, सिर्फ उसे ही यूज़ करूँगी। तो मेरे को माउथ के अराउंड थोड़े से पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, थोड़ा डार्क लग रहा था तो वहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया एंड आईलिड पे लगा लिया, देन उसको डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया है, मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। एंड आप फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अपने नेक एरिया एंड ईयर को बिल्कुल भी मत भूलें, वो फिर एकदम अलग से लगता है। एंड मैंने जहाँ पे भी कंसीलर यूज़ किया था वहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। आप लूज़ पाउडर अगेन यूज़ कर सकते हैं। और अभी आई मेकअप शुरू कर रही हूँ तो उसमें मैं जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन शाइन वाली मेरी साड़ी है, तो मैं गोल्डन ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। तो अपने हाइलाइटर पैलेट जो है उसी में से गोल्डन शिमर लेके अपने आईलिड पे लगा रही हूँ, सेंटर ऑफ आईलिड पे लगा रही हूँ एंड उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा प्रिसाइजली लगा रही हूँ एंड उसके बाद कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, ये आई शेडो पैलेट से, स्विस ब्यूटी का है ये। तो डार्क ब्राउन कलर को अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ एंड उससे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। एंड आफ्टर दैट लाइट ब्राउन कलर लेके एज ए ट्रांजिशन शेड उसे अप्लाई करूँगी अपने पूरे आईलिड पे। जो पहले आई शेडो मैंने लगाया है उसे अच्छी तरह से मर्ज करते हुए ताकि एक शेडिंग इफेक्ट आए। एंड अगर आपके अटायर में सिल्वर वर्क है तो आप सिल्वर यूज़ कर सकते हैं गोल्ड ग्लिटर की जगह, एंड अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं। मैं एकदम बिगनर फ्रेंडली शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप में, बट बेसिक मेकअप जो है वो मैं कर लेती हूँ अच्छा खासा। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आप अगर बिगनर है तो किस टाइप से कर सकते हैं, जो बिगड़े भी नहीं मेकअप एंड अच्छा लुक भी आए एंड एफर्टलेस हो। सो जो थोड़े बहुत फॉल आउट्स हुए थे उसे मैंने एक नैपकिन से क्लीन कर लिया एंड उसके बाद हाईलाइट करने के लिए अपने अंडर आई एरिया को कंसीलर अगेन यूज़ कर रही हूँ। देखिए आप जो आई शेडो के कॉर्नर है, आई के कॉर्नर, उसे एक शार्प लुक देते हुए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जिससे वो एकदम नीट लुक आता है। आप सेलोटेप भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया था, आई थिंक तीज पे किया था शेयर, तो उसमें मैंने सेलोटेप यूज़ करके आई मेकअप बताया था, तो वो भी एकदम बिगनर फ्रेंडली ट्रिक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं अंडर आई एरिया को भी कॉम्पैक्ट सेट कर रही हूँ। अगेन आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड लोअर आई लैशेज जो हैं उसमें भी डार्क ब्राउन कलर को एक फ्लैट ब्रश से स्मज आउट कर रही हूँ, तो इससे एक इवन लुक आता है। एंड अगेन काजल लगाने के बाद भी मैं थोड़ा सा उसे स्मज कर लूँगी ताकि वो स्मोकी इफेक्ट है, अच्छा लुक आता है। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत
फ़र्क पड़ता है इससे। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग लैक्मे इंस्टा आई लाइनर, तो एक छोटा सा विंग आई लाइनर बना रही हूँ मैं। एंड देखिए दोनों आईज पे कंप्लीट हो गया है विंग आई लाइनर। एंड उसके बाद एक काजल यूज़ कर रही हूँ मैं, एन वाई बे का है ये, हमेशा मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत अच्छा काजल है। सो इसे अपने लोअर लैश लाइन पे मैंने लगा लिया एंड एक फ्लैट एंगुलर ब्रश लेके उसे अच्छी तरह से स्मज आउट कर लूँगी। तो वो जो ब्राउन कलर लिया था मैंने पहले एंड ये काजल, दोनों को मर्ज करते हुए स्मज आउट कर लूँगी, तो बहुत स्मोकी इफेक्ट आता है। ये एकदम मिनिमम प्रोडक्ट्स एंड मिनिमम स्टेप्स मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइक कलर करेक्टर लगाना एंड कंसीलर लगाना, फाउंडेशन लगाना, ये सब प्रोसेस करते जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। देन आई एम अप्लाइंग मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल, ये मेरा रिसेंट परचेज़ है, बहुत अच्छा है ये आईब्रो पेंसिल, डार्क ब्राउन कलर है ये। सो अपने आईब्रोज़ पे जहाँ पे भी मुझे ग्रैप लग रही थी वहाँ पे फिल कर रही हूँ एंड एकदम लाइटली लाइट हैंडेड फिल करके उसे स्मज कर लूँगी अच्छे से, तो लाइक ब्रश कर लूँगी तो बहुत अच्छे से इवन लुक आएगा। एंड मेरे आईब्रोज़ जो हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, थिक भी नहीं है, लाइक ठीक है, तो मुझे इतने ज़्यादा आईब्रो फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट तो लाइटली मैंने फिल किया क्योंकि एक थोड़ा हैवी मेकअप कर रही हूँ मैं। एंड बीच में मैं स्माइल करती हुई दिख रही हूँ, पता नहीं बच्चे कुछ पूछ रहे होंगे या बोल रहे होंगे मुझे, तो बच्चे बैठे हुए थे बेड पे तो उनकी बातें भी सुन रही थी मैं एंड रेडी भी हो रही थी। एंड इससे पहले मैंने शेयर किया है करवा चौथ व्लॉग, तो आप उसे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जस्ट डिनर की सब चीज़ें प्रिपेयर करके आ गई थी एंड उसके बाद आराम से फुर्सत में रेडी होने बैठी थी अच्छे से टाइम लेके, तो इसलिए इतना हैवी मेकअप कर रही हूँ मैं, नहीं तो लाइटली एक थोड़े बहुत मेकअप कर लेती, बट टाइम था मेरे पास सफिशियंट, इसलिए मैं अच्छे से रेडी हो रही हूँ। एंड ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है तो मैंने सोचा इस बार एक ट्रेडिशनल लुक ट्राई करते हैं एंड शेयर करते हैं आप लोग के साथ। एंड मैं इसमें एक हेयर स्टाइल भी शेयर करूँगी, गजरा हेयर स्टाइल, जो कि सिल्क की एंड जरी वर्क वाली साड़ी के साथ काफ़ी सुंदर लगता है, एकदम क्लासी लगता है, तो आप एंड तक प्लीज़ देखिएगा वीडियो को। सो आई एम अप्लाइंग मेबलिन का मस्कारा हाइपरकल, बहुत अच्छा मस्कारा है ये, सबको पता है, तो दोनों आई लैशेज पर मैंने लगा लिया। एंड मैं फॉल्सेस यूज़ बहुत रेयरली करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट आप चाहें तो फॉल्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी और वीडियो में शेयर कर लूँगी वो प्रोसेस भी। देन लिपस्टिक के लिए मैंने थोड़ा सा न्यूडिश रेडिश कलर चूज़ किया था, तो लिप लाइन कर लिया पहले एंड उसके बाद ये LA 19 का थोड़ा सा लाइट मरून कलर मैंने सिलेक्ट किया था, देखिए, बट ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो इसमें फिर मैंने NYBA की लिपस्टिक को भी ऊपर से टचअप कर दिया, रेड, थोड़ा सा रेडिश कलर है ये, तो फिर अच्छा लुक आ रहा था लिपस्टिक का। आप चाहें तो एकदम न्यूड रख सकते हैं लिपस्टिक को, बट फेस्टिवल्स पे थोड़े से डार्क कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मरूनिश न्यूड टाइप का कलर चूज़ किया। एंड उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने फेस के हायर पॉइंट्स पे एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, तो ये है शिवाना कलर्स का हाइलाइटर पैलेट, बहुत अच्छा है ये भी, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, एकदम बिगनर फ्रेंडली है एंड बहुत ओवर हाईलाइट भी नहीं किया मैंने, एकदम लाइटली लिया एंड अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया ताकि एकदम नेचुरल ग्लो लगे। एंड आफ्टर दैट मैं आईब्रो के जो वो रहते हैं ना बोन्स, वहाँ पे भी हाइलाइटर लगा लिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो वर्ड, बट वहाँ पे भी हाइलाइटर लगा लिया एंड ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। मैंने एक रेड टाइप की ही बिंदी लगा ली थोड़ी सी बड़ी एंड उसमें एक स्टोन लगा लिया, गोल्डन स्टोन, तो ये मेरा कंप्लीट लुक हो गया। एंड अभी मैं एक हेयर स्टाइल भी शेयर कर रही हूँ, तो पहले मैंने बालों को डिटेंगल कर लिया एंड किचन से निकली थी मैं जस्ट, तो मेरे बाल वॉश किए हुए हैं बट थोड़े से ऑयली लग रहे हैं, तो उसे आप एक्सक्यूज़ करिएगा, बट मैं इससे बन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मिड पार्टीशन निकाला है मैंने, लाइक जो क्लासिक गजरा हेयर स्टाइल रहता है विद बहुत सारा सिंदूर एंड मिड पार्टीशन एंड जैसे विद्या बालन दीपिका पादुकोण करते हैं ट्रेडिशनल साड़ी के साथ, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ।
तो थोड़े से ग्रे हेयर विजिबल हो रहे मेरे, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि मैं अभी हेयर कलर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट दिवाली के टाइम पे करूँगी। बहुत ज़्यादा हेयर कलर यूज़ करने पे भी हार्मफुल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा गैप में करती हूँ। सो देखे बातों में ही ये मैंने एक पोनीटेल बना लिया, थोड़ा सा लो बनाया है मैंने नेक के पास, आप चाहें तो थोड़ा हायर भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद डोनट बन मैंने अटैच किया एंड उसे अच्छी तरह से बालों को कवर करते हुए, डोनट बन को कवर करते हुए एक दूसरा रबर बैंड लगा लिया। अब ब्लैक रबर बैंड लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी मुझे मिल रहा नहीं था तो मुझे वाइट रबर बैंड दिखा तो मैं उसे ही लगा लिया मैंने, बट ये कवर हो जाएगा अच्छी तरह से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड उसके ऊपर गजरा भी लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा अच्छे से। सो मैंने अपने जूड़ा के अराउंड अच्छी तरह से उसे रोटेट कर लिया एंड जूड़ा पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। इससे पहले मैंने बच्चों को किस तरह से आप पार्टी में रेडी कर सकते हैं वो भी शेयर किया है। अगर बच्चों के स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, आपके बच्चे अगर डांस वगैरह कर रहे हैं तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। मैं बहुत इजी वे में शेयर करती हूँ क्योंकि एक इंडियन मॉम, मैं भी एक नॉर्मल इंडियन मॉम हूँ एंड एक इंडियन मॉम के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एकदम लाइक बहुत हाई फाई चीज़ें यूज़ करना, तो इसलिए मैं जो चीज़ें प्रैक्टिकल रहती है वही शेयर करती हूँ। सो ये डोनट बन से एक सिंपल सा अच्छा सा जूड़ा बन के रेडी हो गया एंड इसमें गजरा लगा ले रही हूँ मैं, तो ये एक फेक गजरा है, मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, बट थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक तो आता है इस गजरे में, तो मैं सोच रही हूँ एक दूसरा गजरा लेने का। दैन उसके बाद दोनों जो थ्रेड इसमें लगी हुई है उसमें मैंने पिंस अटैच किया, आप जूड़ा पिन भी ले सकते हैं या फिर जो वो रहता है नॉर्मल क्लिप आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसे रोटेट करते हुए जूड़ा के अराउंड सिक्योर कर लिया दोनों एंड्स को। देन मैं एक हैवी सिंदूर लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने ये लूज़ सिंदूर लिया है, ये मेरी शादी के टाइम का है, चांदी के डिब्बे में रखा हुआ है, तो आज मैं सालों बाद इसे लगा रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड करवा चौथ पे ट्रेडिशनल इस टाइप का लुक एंड हैवी सिंदूर काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लगा रही थी इस बार। एंड ये मेकअप लुक तो मैंने करवा चौथ पे किया था, बट नो डाउट आप इसे किसी भी ओकेज़न पे कर सकते हैं, वेडिंग्स पे कर सकते हैं, अगर आपके घर पे क्लोज़ रिलेटिव्स की वेडिंग है, एंड आप दिवाली पे कर सकते हैं क्योंकि एकदम ट्रेडिशनल गेटअप है ये। तो ये सिंदूर भी कंप्लीट हो गया एंड अभी मैं इसके साथ ज्वेलरी पैरअप कर रही हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी सेंसिटिव है मेरी स्किन, तो मैं ये रियल गोल्ड की मेरी शादी की वाली ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ब्लाउज़ मैंने वेयर किया है उसमें नेक पे थोड़ा सा हैवी वर्क है, इसलिए मैं नेक पीस को अवॉइड कर रही हूँ। एंड आप चाहे तो मंगलसूत्र पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट मंगलसूत्र है नहीं मेरे पास एंड आर्टिफिशियल मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत रेयर पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना। एंड बाद में गोल्ड की चैन डाल ली थी नॉर्मल, क्योंकि खाली कलर नहीं रखना चाहिए। एंड ये गोल्ड की इयररिंग पहनी मैंने, थोड़ी बड़ी है ये, तो अच्छी लग रही थी सिर्फ इयररिंग भी। एंड अगेन गोल्ड के ही फिंगर रिंग्स पहन लिए मैंने दो तीन, एंड ये लुक कंप्लीट हो रहा है मेरा। सिर्फ थोड़े से बैंगल्स और डाल लेते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल लुक के साथ बैंगल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने पहले ही अरेंज करके रख लिया था, सेट बना के रख लिया था गोल्डन एंड ऑरेंज कलर के बैंगल्स को मिक्स करके एंड थोड़े बहुत तीन चार कड़े यूज़ करके, तो ये क्विक हो गया मेरे लिए क्योंकि मैं आफ्टरनून में मैंने इसे प्रिपेयर करके रख लिया था, अपने ज्वेलरी एंड अपने साड़ी वगैरह सब कुछ निकाल लिया था, बैंगल्स भी सेट कर लिया था, तो जल्दी हो गया ये। अब देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा नंबर्स में पहने हैं मैंने बैंगल्स। सो ये है मेरा कंप्लीट लुक, थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किए मैंने एंड मेरे करवा चौथ व्लॉग में मैंने शेयर किया है किस टाइप से मैंने पूजा किया था करवा चौथ में। एंड ये आप देख सकते हैं बाद में मैंने गोल्ड की नथ भी पहन ली नोज में, तो पूजा करते टाइम पहनते हैं हम लोग एंड काफ़ी पसंद है मुझे नोज़ में नथ पहनना, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये लुक कंप्लीट हो गया मेरा, देखिए ये है मेरा ट्रेडिशनल भारतीय नारी वाला कंप्लीट लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड ये रेड चुनरी हम लोग के में ली जाती है जब पूजा करते हैं, तो बाद में मैंने इसे भी पहन लिया था जब पूजा करने गई थी, तो
आपको ये लुक कैसा लगा मुझे बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।